मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। इसी दौरान टीम ने मौके से अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन को भी जब्त किया है। सर, कल आपने अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी जब्त की है, क्या कुछ कार्रवाई की और कहां से पकड़ी वो? शाम को सूचना मिली कि जेसीबी वन कक्ष क्रमांक 1099 मानपुर ग्राम में अवैध खनन के लिए मुरम खोद रही है। उसकी सूचना के आधार पर हमारा स्टाफ साथ में गए। राजस्थान के बाड़मेर की बात करते हैं, जहां किसान कल्याण मंत्री कैलाशी चौधरी ने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। इसी दौरान उन्होंने धारा 370 का भी जिक्र किया। पीलीभीत के गांव पिपरिया मंडल से पहले सड़क के किनारे पर 40 वर्षीय शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष बरखेड़ा के द्वारा सूचना दी गई कि पिपरिया मंडल से जो बरखेड़ा की तरफ रास्ता जा रहा है, उस पर एक बॉडी मिली है जो मनरेगा वाला जो कौसाम्बी की नागेमाई गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने सभासद को गोली मार दी। गोली सभासद के सीने में लगी। गोली लगने के बाद सभासद बाइक समेत जमीन पर गिर गया। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल सभासद ने खुद ही बाइक चलाकर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर रही है। सैनी थाने में अजुआ चौकी के अंतर्गत एक सभासद है जो कि फेरी लगाने का काम करता है, अपनी मोटरसाइकिल पर बांध के कुर्सी आके बेचता है। अब एक गन शॉट का पेशेंट आया है, क्या उसके हाल है, कहां से आया है, क्या अभी उसका? एक मरीज है मोहम्मद इरशाद नाम के है, ये सैनी थाना क्षेत्र में अजुआ के आए हुए हैं, गोली लगी हुई है छत पर, भर्ती कर लिया गया है।